केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 मई को सुबह 6:25 पर खुलेंगे। बद्रीनाथ मंदिर 8 मई को खुलेगा। केदारनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष माना गया है और बद्रीनाथ भी अगर देखा जाए तो 8 मई को इसके कपाट खुलने वाले हैं। वहीं अगर केदारनाथ धाम की माने तो केदारनाथ धाम ज्यादा प्राचीन है। मान्यता ये है कि इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण पांडवों ने महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद कराया था। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख महाशिवरात्रि के पर्व पर शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में रावल भीमाशंकर की मौजूदगी में पंचांग गणना से की गई है। महाशिवरात्रि के पर्व पर ओंकारेश्वर मंदिर में सुबह 7 बजे से ही विशेष पूजा अर्चना की गई है। वहीं यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद वहां रह रहे भारतीय छात्र छात्राओं में अपने घर वापस लौटे औरैया निवासी दिव्यांशु ने वहां की हकीकत बयां करते हुए बताया है कि भारतीय दूतावास के जरिए पूरी सुरक्षा के साथ उन्हें घर तक पहुंचाया गया। इसके लिए उन्होंने भारत सरकार का आभार जताया। साथ ही उन्होंने भारत सरकार से वहां रह रहे अन्य छात्र छात्राओं को भी जल्द से जल्द भारत वापस लाए जाने की अपील की है। यूक्रेन में हम लोग थे वेस्टर्न बॉर्डर पे उस रोड से थे। अच्छा, वहाँ क्या MBBS कौन सी ईयर? फर्स्ट ईयर। अच्छा, वहाँ से आप लोग कब निकले थे? हम लोग उस रोड से निकले थे 27 तारीख की सुबह 9 बजे। क्या वहाँ जब आप वहाँ मौजूद थे उस समय वहाँ क्या स्थितियाँ थी, किस तरह से आप लोगों का वहाँ समय बीता, कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे? लोग जब वहाँ थे तो जो वहाँ की कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी और अभी भी है। हमारे साथ के बहुत से बच्चे मतलब की घर की वगैरह में अटके पड़े हुए हैं, तो पूरी तरह से फंसे हुए थे। अभी तो फिलहाल वहाँ से निकल गए हैं।